दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि दंगल ट्रेलर से मुझे क्या इंस्पिरेशन मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको भी उतना ही इंस्पायर करेगी। 23 दिसंबर को जब फिल्म दंगल रिलीज होगी तो ये सारे नाम जो है, महावीर फोगाट, गीता कुमारी, बबीता कुमारी, रितु और संगीता कुमारी, ये सारे नाम हाउस होल्ड नेम्स बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि पूरा इंडिया उन्हें जानेगी। ट्रेलर तो सबको पसंद आई है, और सीधी बात है कि ये एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी है। महावीर फोगाट, जिन्होंने इन चैंपियंस को बनाया है, उसने अपनी पूरी लाइफ इस एक स्पोर्ट को डेडिकेट की है। उन्होंने सिर्फ अपनी चार बेटियों को ही नहीं, लेकिन अपने भाई की दो बेटियों को भी रेसलिंग में ट्रेन किया है, जिनके नाम है विनेश और प्रियंका, जिनके फादर जो उनके भाई किसी लड़ाई में मारे गए थे। मुझे इस वीडियो से ये कहना था कि जब कोई भी आदमी ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी और अपनी फैमिली की पूरी लाइफ को एक ही चीज पर पूरी तरह से डेडिकेट करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन कुछ लोग के डिसीजन और फोकस हमेशा इतने क्लियर रहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, वो ये सोचते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है और हमारी पूरी लाइफ इस एक चीज को मास्टर करने में लगा देंगे। महावीर फोगाट की सोच ये थी कि जब एक औरत प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो उनके बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स क्यों नहीं बन सकती, और उन्हें ट्रेन करने के लिए वो अपनी बेटियों को लड़कों के साथ ट्रेन करते, क्योंकि उस वक्त औरत रेसलर्स थे ही नहीं। सत्यमेव जयते प्रोग्राम में गीता और बबीता ने कहा था कि उनके फादर उन्हें मार कर भी प्रैक्टिस कराते थे, और उनसे ये भी कहते थे कि लड़कों जितना खाना खाते हो तो लड़कों जैसे लड़ो, और सच में वो लड़कों को भी प्रैक्टिस में हरा देते। आज क्योंकि गीता कुमारी, बबीता कुमारी और विनेश फोगाट तीनों कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन हैं, उन पर ये फिल्म बन रही है, और शायद इस फिल्म से उन्हें रेसलिंग से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि आमिर खान महावीर फोगाट की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो अब कितने पॉपुलर बनेंगे, पॉइंट ये है कि उनकी लाइफ स्टोरी इतनी अलग और इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर फिल्म बनी है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं अपने आप से कंपेयर करूं, क्या मेरी लाइफ पर फिल्म बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर बिल्कुल ना होगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये गारंटी दे कि मेरी लाइफ पर 10 साल बाद एक फिल्म बनेगी जिसमें आमिर खान मेन लीड प्ले करेंगे, तो क्या मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ स्टोरी में मैं ऐसा कुछ करूं जिस पर फिल्म बनाई जा सके? मेरा आंसर जरूर हाँ होगा, क्योंकि आमिर खान मुझे ये गारंटी दे रहे हैं। और इस वक्त मेरी लाइफ है ऑफिस, घर, फैमिली, नींद, फिर अगले दिन ऑफिस, घर, फैमिली, नींद, और बीच में मैं थोड़ा बहुत YouTube जैसी चीजें कर लेता हूँ। और यही सवाल आप अपने आप से करिए, अगर आपको ये गारंटी मिले कि आमिर खान 10 साल बाद आप पर फिल्म बनाएंगे, तो आपके अगले 10 साल का लाइफ प्लान क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी इस फिल्म जितनी ही इंटरेस्टिंग हो। इसके चांसेस बहुत कम है कि 10 साल बाद ये सच होगा, लेकिन हम हमारी लाइफ ऐसे जिए कि वो एक फिल्म बनाने लायक हो, हम उसकी कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारी लाइफ है, किसी और की नहीं, ये काम हमें ही करना है, हमारे लिए और कोई नहीं करेगा। महावीर फोगाट या उसकी फैमिली ने शायद कभी ये सोचा नहीं होगा कि आमिर खान उनकी लाइफ पर एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि फोगाट फैमिली ने इस फिल्म को बनाया है, किसी फिल्म ने इस फैमिली को नहीं बनाया है। भगवद गीता में शायद इसीलिए ये लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम गलत ये करते हैं कि कर्म करने से पहले ही हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि हमें कौन सा फल मिलेगा, एप्पल, केला, मौसम्बी या आम, और वो फल कितना बड़ा होगा। जितना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आमिर खान ने इस फिल्म के लिए किया है, शायद किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं किया होगा, और ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि फोगाट फैमिली की लाइफ स्टोरी ने उन्हें मोटिवेट किया है ये करने के लिए। तो फाइनली मेरा मैसेज ये है कि हमारी और आपकी लाइफ पर फिल्म बने या ना बने, हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टोरी को हम ऐसे बनाएं कि वो एक फिल्म बनाने लायक हो। जैसे फिल्म के ट्रेलर में कहा गया, गोल्ड मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। हम सब शायद गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन प्यार, मेहनत और लगन से कुछ काबिल तो बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई ट्रेलर का रिव्यू नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि जो इंस्पिरेशन मुझे ये ट्रेलर देखने के बाद मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।